कुढ़नी विधायक की सदस्यता चली गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, एमएलए अनिल सहनी की विधायकी खत्म हो गई है। एलटीसी घोटाले में इन्हें दोषी पाया गया है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी विकास ओझा जुड़ रहे हैं। विकास, आरजेडी विधायक की विधायकी गई है एलटीसी घोटाले में, उन्हें सजा सुनाई गई है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। दीपक, ये मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से विधायक हैं, आरजेडी विधायक अनिल सहनी, इनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो आज समाप्त कर दी गई है, इसके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। हालांकि इसमें सजा जो है 29 अगस्त को सीबीआई कोर्ट ने अनिल सहनी सहित तीन लोगों को दोषी करार दिया था, उसके बाद आज उनकी सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। उन पर आरोप यात्रा भत्ता को लेकर घोटाले का आरोप था। एलटीसी जब वो राज्यसभा सांसद थे उस वक्त ही यात्रा भत्ता को लेकर एक घोटाला हुआ था और उसको लेकर ये सजा सुनाई गई, और सजा सुनाने के बाद आज उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त होगी। हम थोड़ा बता दें कि ये मामला था क्या, अनिल सहनी पर बिना यात्रा किए लाखों रुपए का भत्ता लेने का आरोप था। 31 अक्टूबर 2013 को सीबीआई ने इसको लेकर मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि अनिल सहनी ने दूसरे लोगों के साथ साजिश कर ई टिकट बोर्डिंग पास बनवाया और उसके सहारे 23,71,000 रुपए का चूना सरकारी विभाग को लगाया। जांच में ये बातें स्पष्ट हो गई, अनिल सहनी के फर्जी टिकट के सहारे यात्रा दिखाई गई जबकि उन्होंने उस टिकट पर यात्रा ही नहीं की। ये इसी घोटाले को लेकर इसमें सजा हुई अनिल सहनी की, एमएलए अनिल सहनी की, वो पहले राज्यसभा सदस्य थे उस वक्त का ये मामला है, और सजा के बाद आज उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो समाप्त हो गई। जी दीपक, बिल्कुल, भ्रष्टाचार के आरोप में आरजेडी के एक और विधायक अब सजा याफ्ता हो गए हैं, उनकी विधायकी गई है, अब आरजेडी एक बार फिर निशाने पर होगी। निश्चित तौर पर दीपक, देखिए भ्रष्टाचार के आरोप में फर्जी टिकट विकास घोटाले को लेकर, विकास आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम आते हैं। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अखिलेश जी स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद, धन्यवाद। अखिलेश जी, अनिल सहनी आरजेडी विधायक की विधायकी गई, 3 साल की सजा सुनाई गई है एलटीसी घोटाला मामले में, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति के अंदर जब कोई काम करता है तो उसको शुचिता का ख्याल रखना चाहिए जी, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, और खासकर जब कोई एमएलए हो तो निश्चित रूप से ये करना चाहिए। अब बताइए, इस तरह की घटना हो कि कोई एमपी एमएलए अपने कूपन का दुरुपयोग करे, अपने प्रिविलेज का दुरुपयोग करे और इन छोटी छोटी बातों को केवल पैसा कमाने के लिए करे, मैं समझता हूँ कि ये हो रहा था और मुख्यमंत्री जी को जानकारी कैसे नहीं, और मुख्यमंत्री जी ने क्यों, मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई करने के लिए तो मुख्यमंत्री जी को स्वयं करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर मुख्यमंत्री जी को है, और ये तो प्रकटीकरण हो गया कि तेजस्वी यादव के साथ जिस जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे उन्हीं के साथ गए हैं, उन्हीं के पार्टी के व्यक्ति का की सदस्यता गई है, और आगे देखिए क्या क्या होता है। भ्रष्टाचार के प्रति सॉफ्ट हो गए हैं मुख्यमंत्री, अपराध के प्रति सॉफ्ट हो गए हैं मुख्यमंत्री, कास्टिज्म के प्रति सॉफ्ट हो गए हैं और कैश के प्रति भी सॉफ्ट हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी समझौतावादी हो गए हैं और अपने स्वार्थ में पूरे बिहार का और पूरे पूरे राजनीतिक संस्कारों का ये जो ये दाह संस्कार करने पर तुले हुए हैं, और इसलिए बिहार और बिहार की जनता ही नहीं, पूरा का पूरा राजनीतिक महकमा आज शर्मसार है, पूरा का पूरा राजनीतिक महकमा आज एक इस व्यक्ति के कारनामे के चलते उसका सर झुका हुआ है, और जनता के प्रति जो राजनीतिज्ञों के जनता के अंदर जो राजनीतिज्ञों के प्रति जो अविश्वसनीयता है, उनके प्रति जो उनके अंदर घृणा है, ऐसे ही लोगों के कारण है। और मुख्यमंत्री जी, आप तो बड़े अपने आप को ईमानदार बनते हैं, बड़े शुचिता वाले बनते हैं, और आपको ही आपके नाक के नीचे ये सब खोज हो रहा था और पता नहीं था।